जैसे कि सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि श्रीमद् रामायण शो को सोनी लिव पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा, इस शो को कब सोनी लिव पर स्टार्ट किया जाएगा, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना ताकि सभी शोज के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो श्रीमद् रामायण शो को सिर्फ सोनी लिव पर ही दिखाया जा रहा है और फैंस ने इस शो से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि हम सभी को सोनी लिव पर भी ये शो देखने को मिलेगा। सिर्फ इस शो को सोनी टीवी पर ही नहीं बाकी प्लेटफॉर्म पर भी स्टार्ट किया जाना था। यहाँ तक इस शो को जियो टीवी पर भी दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि चैनल और मेकर्स कोई भी खतरा अपने चैनल पर देखना नहीं चाहते जिससे कि उनको भारी नुकसान हो, और इसीलिए उन्होंने सोनी टीवी पर ही स्टार्ट किया है। अभी से ही अगर मेकर्स ने इस शो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाना स्टार्ट कर दिया तो फैंस इसे ऑनलाइन ही देखेंगे, जिस वजह से इस शो की टीआरपी पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। और इसीलिए इनके डायरेक्टर सचिन तिवारी ने बताया कि हम इस शो को सिर्फ केबल टीवी और डीटीएच पर ही चला रहे हैं। अभी बात रही कि इसे आप सोनी लिव पर कैसे देख सकते हो, तो बता दें कि अभी फिलहाल इस शो को सोनी लिव पर स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन बाद में हो सकता है कि इसे सोनी लिव पर भी स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि इस शो पर काफ़ी हाई लेवल पर काम चल रहा है और इस शो का काफ़ी ज़रा बजट भी रहा है। मेकर इस शो के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज या रिस्क नहीं लेना चाहते अगर आप इस शो को प्राइवेसी करके देख रहे हो, जिस वजह से इस शो की टीआरपी पर काफ़ी असर पड़ सकता है। सभी लोगों को कोशिश करनी कि इस शो को टीवी पर ही देखें। कुछ खबरों की माने तो ऐसा बता जा रहा है कि इसको एक मंथ तक सोनी लिव पर स्टार्ट नहीं किया जाएगा, बाद में हो सकता है कि इसको सोनी लिव पर स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी आपको वीडियो पसंद आओ तो पसंद आएगा, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।